मैं किरण कुमारी और आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24 झारखंड बिहार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि विधानसभा चुनाव काफ़ी सामने आ चुका है, इस सिलसिले में आज हम गिरिडीह विधानसभा अंतर्गत गिरिडीह में मौजूद हैं और विधानसभा के उम्मीदवार से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टार सिटी 24 न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद स्टार सिटी न्यूज़ चैनल और आपके आगमन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं डॉक्टर बर्नाबास हेम्ब्रम, गिरिडीह झारखंड। मैं बहुजन मुक्ति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में यहाँ इलेक्शन लड़ूंगा और एक ही मेरा मकसद है, जितने भी जनप्रतिनिधि चुने गए आज से 24 साल से पहले और जो भी जनप्रतिनिधि है, जो विधायक हैं चाहे सांसद, उनका नाम होता है जनप्रतिनिधि। लेकिन जब चुने जाते हैं तो वे लोगों के बीच में कभी नहीं जाते। उनका काम है कि हर एक गांव का रूपरेखा बनाना। जैसे कि आप इससे पहले भी चुनाव लड़े या फर्स्ट बार लड़ने जा रहे हैं? मैं 2014 में शुरू में मैं लड़ा था, लेकिन ऐसी तैयारी नहीं थी जैसे अभी मैंने किया है। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं तो आप लोगों से कैसे संपर्क कर रहे हैं? एक्चुअली जो भी किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि होता है, उनका काम है हर एक गांव को सर्वे करना, कौन सा गांव किस स्थिति में है, वहां का लोगों का क्या पहुंच है कि नहीं है, सारा चीज़ विधायकों को सर्वे करना चाहिए। ये पार्टी से मतलब नहीं है, जनप्रतिनिधि का मतलब है हर एक गाँव को सर्वे करना और सर्वे करके विधानसभा में बोलना, ताकि वहाँ पर उनका जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसको वहाँ बताए जा सके। अगर नहीं बताते हैं तो वहाँ विकास का पैसा नहीं आएगा। इसी को देखते हुए मैंने 3 साल से पूरे गांव का सर्वे किया है और विशेषकर पीरटाण एरिया में तो आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि का पहुँच से बाहर है, कोई जाते नहीं, वहाँ के लोगों से पूछते नहीं, स्थिति देखते नहीं, तो विकास के लिए कैसे काम करेंगे। अभी आप कितने लोगों से संपर्क कर चुके हैं? लगभग मैं पीरटाण के 17 पंचायत का हर एक गांव को मैंने देखा और वहां के लोगों से रूबरू हुआ और वहां की परिस्थिति क्या है। अभी तक गांव के लोग नदी से पानी पीते हैं। आप सात कठिया चल जाइए, जराबाग चल जाइए, कुरवा चल जाइए, बहुत सारे ऐसे गाँव हैं, चलने फिरने के लिए भी रोड नहीं है, आने जाने का जो आवागमन है लोगों का वो भी रास्ता नहीं है। अगर जैसे आप विधानसभा में जीत जाते हैं तो आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा? मेरा सबसे पहले शिक्षा। लोग जो शिक्षा के अभाव में बहुत सारे गलत काम में चले जाते हैं, सबसे पहले तो आदिवासियों में, दलितों में नशा सबसे बड़ा चीज़ है, नशा से लोग बर्बाद हो रहे हैं, वो मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता है। और जब मैं जीत जाऊँगा, लोग जिता देंगे, तो सबसे पहले नशा का उन्मूलन का काम करेंगे। दूसरी बात शिक्षा, लोगों को भरपूर तरह से प्रयास करूंगा कि उसके बच्चे शिक्षित हो जाए और खुद भी शिक्षित हो जाए। इस सब का काम हम लोग रूपरेखा तैयार कर चुके हैं। तो जैसा कि बहुत कोई आते हैं बोलते हैं कि नहीं, अगर हम उनको वोट दे दे जीत जाएंगे तो फिर हम शिक्षा पर ध्यान देंगे और भी बहुत चीज़ पर ध्यान देंगे और जीतने के बाद कुछ भी नहीं करते, तो उस पर आप क्या कहेंगे? शिक्षा का मतलब जानना चाहिए। जो व्यक्ति बुड़बक है, जो शिक्षा जानता ही नहीं, पढ़ा लिखा विधायक ही नहीं है, कितना विधायक है हमारे झारखंड में पढ़ा लिखा? तो जब शिक्षा के बारे में उनको मालूम ही नहीं है, लोगों को शिक्षित कैसे करेंगे? हम लोग जानते हैं ना कैसे, कितना पढ़ने के लिए रोंगटे खड़े हो जाते थे, खाना पीना छोड़ करके हम लोग 24 घंटा पढ़ते थे, तब इस मुकाम में पहुँचे हैं। अब कोई बोल देगा कि डॉक्टर ऐसे बन गया, सबसे टफ एग्जाम होता है मेडिकल एग्जामिनेशन और उसको हम लोग पढ़े तभी ना, तो उस शिक्षा को हम लोग जानते हैं। इसीलिए शिक्षा इतना आसान चीज नहीं है कि हाँ शिक्षा के में ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं। जैसा कि आप डॉक्टर हैं फिर आप विधानसभा में क्यों करना चाह रहे हैं? यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि विधानसभा बहुत ही पवित्र जगह है। उस पवित्र जगह में जो अनपढ़ गंवार पहुँचे, जिसको कोई मतलब नहीं है, अपना केवल पेट चलाने से मतलब है, इसीलिए तो झारखंड की ये दुर्गति है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं, अभी तो हम मान लिया डॉक्टर बन गए, पैसा कमा रहे हैं,
हम चाहते हैं झारखंड वासी ऐसे ही अपने हक और अधिकार के लिए लड़े, उसको शिक्षित करें और आगे बढ़ें, यही मकसद है। और ऐसा थोड़े है कि हम विधानसभा जाएंगे तो अरबपति बन जाएंगे, खरबपति बन जाएंगे, सबसे गरीब हम कहलाएंगे। अभी जो भी हम रोज कमा रहे हैं वो कमाना भी बंद हो जाएगा। हमको तो सारे गांव-गांव का सर्वे करना है और विधानसभा के जहां बैठक होती है उस पटल पर हमको इस असुविधा के बारे में बात करना है, लोगों की जो असुविधाएँ हैं उनके बारे में बात करें। आज जो जनप्रतिनिधि ऐसा काम नहीं करता है वो बेकार है, अपना पेट चलाने के लिए विधायक बनता है। जैसा कि झारखंड आप अलग हुए 24 साल हो गए तो अभी तक कोई स्थानीय नीति नहीं बना, इसका क्या कहेंगे? यही तो सबसे बड़ा विडंबना है। अगर विधानसभा में हमारे पढ़े लिखे लोग चले होते आज तक स्थानीय नीति बन गई होती। यहाँ तो सिर्फ अपना पेट चलाने के लिए होते हैं, ये बोलते हैं हमको ये नहीं सपोर्ट कर रहा है, क्यों नहीं सपोर्ट कर। वर्तमान सरकार में आप बताइए, उनको फूल मेजोरिटी मिला हुआ है, उनको तो तुरंत बनाना चाहिए। अभी चपरासी तक की बहाली बाहर से लोग करते हैं, तो ये किसकी है? विधायक सांसद चाहे विधानसभा के जो विधायक होते हैं उनकी अनपढ़ गंवार का माने दिखता है कि वो लोग इस राज से कोई ताल्लुक रखते नहीं, सिर्फ अपना पेट चलाने के लिए विधानसभा में जाते हैं। 100% यही बात है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। जैसे आज भी कई युवा रोजगार के लिए प्लान करते हैं, तो अगर आप भी जाएंगे तो इस पे क्या? देखिए सबसे बड़ी बात है तो यहाँ रोजगार बहुत है, और उस रोजगार को निखारने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं वो करते नहीं, और जो भी मंत्री हैं चाहे विधायक में सदस्य हैं वो लोग ये बात रखते नहीं कि यहाँ के इतने सारे संसाधन होने के बावजूद हमारे युवा बाहर जा रहे हैं, तो ये विडंबना है ना। इनको बात रखना चाहिए, हमारे जितने भी संसाधन हैं झारखंड में हम लोग दिया ले लेके खोजेंगे तो भी नौकरी करने वाले नहीं मिलेंगे, इतना यहाँ तादाद में नौकरियाँ हैं, लेकिन सारे लोग इस पर जो भी विधायक हैं सांसद हैं इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और रूपरेखा झारखंड क्या होगा कैसे होगा उसका तय ही नहीं करते, केवल बैठे रहते हैं। जितने भी विधायक हैं कोई गांव घर कभी सर्वे नहीं करते, कितना यूथ पढ़े लिखे हैं, कितनों का घर है कि नहीं है, ये सब कहीं सर्वे नहीं है, यही सबसे बड़ी बात है। जैसा कि अभी बहुत उनको दिक्कत होता है पानी और सड़क की समस्या को लेकर के, तो इससे आपको क्या कुछ कहेंगे? देखिए मैडम, यहाँ झारखंड में पानी की कमी नहीं, हर एक गांव-गांव में नदी बहता हुआ सालों भर जीवित नदी है, उनसे हमको हार्डली कितना लगेगा 10-20 लाख रुपया का गांव तक पानी लाने में। अभी आप पानी का टंकी लगा दिए पीरटाड़ एरिया में, आप जाके देख लीजिए जहाँ बोरिंग किया है वहाँ पानी है ही नहीं, तो जितना पैसा करोड़ों का आपने टंकी लगा के छोड़ दिया उसको नदी से इंटेक वेल लगा करके सारे पानी को गांव तक लगा दीजिए, वो ना करके आप तो केवल फ्रॉड योजना को लागू करके लोगों को बेवकूफ़ बनाए हैं, तो उसको ना करके यही चीज़ हम बोले ना, विधायक अगर पढ़े लिखे रहते और विधानसभा को अपनापन समझते, एक परिवार जैसे समझते तो लोगों का सेवा करते और बोलते ये गलत योजना है, हम लोग को ऐसा योजना लाना चाहिए ताकि लोगों को पीने का पानी मिलने सके, है कि नहीं? ये तो हो नहीं रहा है, और लोग तो बेचारा नहीं जान रहे योजना कैसी आ रही है, वो देख रहा है कि सही योजना है। अभी पीरटाण एरिया में बहुत सारे ऐसे जो मुख्यमंत्री जल योजना है उसमें तो बोरिंग किया पानी ही नहीं है, तब टंकी क्यों लगाई? जब पानी ही नहीं है बोरिंग में तो टंकी क्यों लगाए हैं? ये भी तो गलत योजना है ना, लोगों को बेवकूफ़ बना करके ऐसे योजना को आप लागू कर रहे हैं, ये सब हम लोग को रोकना चाहिए। ये हमारा पैसा है, इसको बचाना चाहिए, जहाँ लोगों को जिस तरह से सुविधा है ऐसे योजना लाना चाहिए। मान लिया आपको सफाई कर्मी में काम करने का मन नहीं है, आपको बोले इसी में काम करिए, नहीं ना होगा। जहाँ लोगों की ज़रूरत है जैसे योजना की आवश्यकता है वैसे लागू करना चाहिए, ठीक है? तो क्या लग रहा है कि इस बार विधानसभा के लोग आपको देखना पसंद करेंगे? देखिए थैंक यू, ये सवाल तो बहुत बड़ा है। लोग मुझको क्या देखना पसंद करेंगे? जब तक हम लोगों के पास जाएंगे नहीं, उनके समस्याओं को जानेंगे नहीं, तो आपको पसंद क्यों करेंगे? इसके लिए मैंने 3 साल से काम कर रहा है,
लोगों के बीच में 3 वर्षों से मैं जा रहा हूँ और वहाँ की परिस्थिति को देख रहा हूँ और उनको पूछ रहा हूँ कि आप लोग की क्या आवश्यकता है। अब उसी आधार पर अगर मैंने काम किया है लोगों के बीच में जा जा करके, तो निश्चित रूप से लोग हमको देखना पसंद करते हैं। अब देखना यह होगा कि बहुजन मुक्ति पार्टी को लोग कितना प्यार देते हैं और उनको लाते हैं फील्ड में। ग्रीडी से किरण कुमार की खास रिपोर्ट है।